आज का वीडियो होने वाला है दक्षिणेश्वर के बारे में। दक्षिणेश्वर पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित एक प्रसिद्ध काली मंदिर है। कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस मंदिर की दूरी सिर्फ 30 मिनट का है। हावड़ा स्टेशन से आप ट्रेन के माध्यम से भी जा सकते हैं और बस के माध्यम से भी जा सकते हैं। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो हावड़ा ब्रिज के पास में बस स्टैंड है, वहाँ से आप कोई भी बैरकपुर का बस पकड़ लीजिए। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो हावड़ा स्टेशन से कोई भी ट्रेन पकड़ के आप चले जाइए बाली स्टेशन, फिर बाली स्टेशन से आपको मंदिर के लिए ऑटो मिल जाएगा। अगर आप सियालदह स्टेशन से जा रहे हैं तो यहाँ से भी आप ट्रेन पकड़ के पहुँच सकते हैं दक्षिणेश्वर। वर्तमान में अभी मेट्रो भी स्टार्ट हो चुका है। स्टेशन पहुँचने के बाद आपको ऐसे ही स्काई वॉक देखने को मिलेगा जो पहले बना नहीं था, रिसेंटली बनाया गया है इसको मंदिर तक जाने के लिए। इस स्काई वॉक पे चलते हुए आपको पूजा सामग्री के और फूल माले के दुकान भी मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको लॉकर की सिस्टम भी मिल जाएगा। आप अपना फ़ोन और सामान यहाँ पे जमा करके जा सकते हैं। अब आपको बताते हैं इस मंदिर के बारे में। रानी रासमणि जी ने इस मंदिर का स्थापना किया था और इस मंदिर में रामकृष्ण परमहंस जी भी पुजारी रह चुके हैं। बहुत ही पुराना ये मंदिर बंगाल के वास्तुशिल्प कला को दर्शाता है। गंगा किनारे बसा हुआ है ये मंदिर। जो लोग माँ काली के दर्शन करने आते हैं वो पवित्र गंगा घाट में स्नान करके माँ काली का दर्शन करते हैं। इसी मंदिर परिसर में आपको रानी रासमणि जी का एक मंडप, विवेकानंद जी का एक स्मारक और रामकृष्ण जी का पंचभूटी भी देखने को मिलेगा। इसी स्थान में रामकृष्ण परमहंस जी साधना करते थे। मंदिर के अंदर के परिसर आपको कुछ ऐसे प्रतीत होंगे और इसी स्थान से बाएं ओर जाने में आपको गंगा घाट देखने को मिलेगा। अब आपको दर्शन कराते हैं सिद्धेश्वरी काली माँ का। इस स्थान में माँ काली को दक्षिणेश्वरी रूप से पूजा जाता है। मंदिर परिसर में आपको शिव मंदिर देखने को मिलेंगे। दक्षिणेश्वर मंदिर पे भक्तगण बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा करने आते हैं। ये मेरे फैमिली के कुछ पिक्चर्स हैं जो बहुत टाइम पहले के क्लिक किए हुए हैं। वर्तमान में अभी कैमरा अलाउ नहीं है तो ऐसे पिक्चर आप क्लिक नहीं कर सकते। अगर आप इस मंदिर पे प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्द से जल्द आके टिकट काटना पड़ेगा, फिर आप यहाँ से जा सकते हैं बेलूर मठ। बेलूर मठ का स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ जाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है फेरी घाट। दक्षिणेश्वर मंदिर से बाहर निकलते ही आपको फेरी घाट का रास्ता दिखेगा, वहाँ से आप थोड़ा सा जाके फेरी का टिकट कर लीजिए और पहुँच जाइए बेलूर मठ में। बेलूर मठ बहुत ही सुंदर मठ है, यहाँ पे आपको बहुत ही शांति देखने को मिलेगा। फिर अब दोबारा फेरी से ही वापस आ जाइए दक्षिणेश्वर और वहाँ से आप एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं या हावड़ा की तरफ भी चले जा सकते हैं। आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हावड़ा स्टेशन के आसपास बजट होटल मिल जाएंगे स्टे करने के लिए। बेलूर मठ का एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बाद में बना दूंगा जो आपको हेल्प करेगा बेलूर मठ पहुँचने में और घूमने में। नए वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।